अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? आज मैं एक नई रेसिपी फिर लेकर आई हूँ। आज मेरी नई रेसिपी है, फ्राइड राइस बनाऊंगी आज मैंने, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी चिकन ली है, थोड़े से मटर हैं, एक शिमला मिर्च, दो आलू, दो गाजरे हैं, थोड़ी सी बंद गोभी है, दो एग और हरी प्याज, और ये तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने चावल लिए हैं। तो चिकन हम धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मटर छीलती हूँ, शिमला मिर्च, आलू गोभी है, सब चीज़ सब सब्जी हैं जो मैं काट के रखती हूँ। अंडे बॉईल करके मैं डालती हूँ, हरी प्याज भी करती हूँ, इसके साथ दूसरी प्याज भी डलेगी। तो सबसे पहले हम मटर छीलते हैं और साथ साथ अपनी सब्जियाँ धो के कटिंग करते हैं, और आगे से हम शुरू करेंगे बनाना। फिर मैं आपसे बात करती हूँ, तो मिलते हैं हम आपको 10 मिनट के बाद। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक, लहसुन और ये थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला लिया है मैंने, और उसके साथ मैंने ये चिली सॉस भी यूज़ करती हूँ, सोया सॉस भी मैं इस्तेमाल करती हूँ फ्राइड राइस के अंदर। अभी मैं थोड़ी सी प्याज काट रही हूँ, एक साइज की मैं ये प्याज ली हूँ, थोड़ी सी ये चावलों में डालेंगे, इसमें से हम ये आधी प्याज डालेंगे, और लहसुन मैं पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी लहसुन का। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना, लेकिन ये टेस्ट अच्छा आना चाहिए। अपने ये ब्लैक पेपर, सोया सॉस और चिली सॉस इसमें डाल दिया, और अब हम हल्की आंच पे इसे दम पे रख देंगे, जिससे मटर और ये गाजर और चिकन जो है वो हमारी अच्छे तरीके से गल जाएगी, आलू भी गल जाएंगे इन सब चीज़ों में। लेकिन जब मैं अंडे बॉयल करती हूँ, मैं चावल बॉयल करने के लिए रखती हूँ, मैं चावल जो है वो बॉयल करके डालती हूँ, फिर तय लगा के इसकी जो है वो ये है कि देखने दम पे जो है वो मेरी सब्जियाँ भी हो जाएंगी और चावल भी बॉयल हो जाएंगे। मेरे चावल मैंने बॉयल करने के लिए रखती हूँ, मेरे चावल बॉयल हो गए, चावल भी बिल्कुल बॉयल कर लूँगी, जब बेकनी पे आ जाएंगे तो मैं उतार लूँगी से। अंडा भी मैंने दोनों उबलने के लिए रखती है, अंडे
इसमें अंडे भी डाल दूंगी। देखो मैंने अंडे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे। ये हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं इसके अंदर। सब चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और इसे मैंने जो है हम मिक्स बाद में करेंगे। और ये थोड़े से चावल जो हैं वो भी मैं अब बाकी के ऊपर इसके ऊपर डालूंगी इस तरीके से। इस तरीके से और अब इसे मैं दम पे लगा दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलेंगे। 15 से 20 मिनट का मैंने दम लगा दिया था। ये देखें मेरे मज़ेदार से जो हैं वो चावल तैयार हैं और क्या मज़े की खुशबू आ रही है और धुआं इसमें से उठ रहा है। बहुत ही मज़े की खुशबू है और भूख इतनी शदीद भड़क रही है कि दिल कर रहा है कि बस निकालूं गरम गरम से खा लूं। लेकिन व्यूअर्स ये देखें मेरे मज़ेदार से जो है फ्राइड राइस तैयार हैं। इसके साथ मैंने ये चटनी बनाई है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये चावल बनते हैं और बहुत ही आसान है, टाइम भी कम लगता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। सबकी अपनी रेसिपी होगी लेकिन मैं अपने तरीके से फ्राइड राइस बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ओके।